देश में कोरोना का कहर फिर से बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन इस बार उसके निशाने पर छोटे बच्चे और युवा हैं। देश भर से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर डराने वाली है। कई राज्यों में कोरोना नवजात बच्चों और 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों को निशाना बना रहा है। महाराष्ट्र की बात हो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजधानी दिल्ली, कोरोना के निशान पर आए सभी बड़े राज्यों की यही दशा है। इस बात की तस्दीक करते ये आंकड़े अभिभावकों को चिंता में डाल सकते हैं। महाराष्ट्र में 0 से 5 साल के करीब 9,900 और 6 से 10 साल के 15,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 0 से 5 साल के करीब 900 और 6 से 10 साल के करीब 1,400 बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कर्नाटक में 0 से 5 साल के करीब 900 और 6 से 10 साल के करीब 1,200 बच्चे संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में 0 से 5 साल के बीच करीब 450 और 6 से 10 साल के बीच 700 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 0 से 5 साल के करीब 500 और 6 से 10 साल के करीब 700 बच्चे कोरोना की सेकंड वेव में संक्रमित हुए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना की दूसरी वेव में बच्चों को निशाना बनने की सबसे बड़ी वजह है कोविड-19 के नए वेरियंट की मौजूदगी। दरअसल दूसरी वेव में फैल रहे कोरोना में अलग अलग वेरिएंट हैं। इसमें सबसे ज्यादा यूके से आया वेरिएंट है। यही वो वायरस है जो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बना रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। यूके का कोरोना वेरिएंट बच्चों को निशाने पर जरूर लेता है, लेकिन वायरस का उस पर सीरियस प्रभाव नहीं है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अचानक से युवाओं में हल्के लक्षण अधिक देखने को मिल रहे हैं। ये कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिहाज से डरावना जरूर है, लेकिन अगर कोरोना के नए वेरिएंट से हुई मौतों के आंकड़े पर बात करें ये न के बराबर है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का मानना है कि ये ऐसा समय है जब हमें और भी सावधान होने की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोरोना अधिक उम्र के लोगों तक पहुंच सकता है और स्थिति आखिरी साल की तरह हो सकती है। इससे कोरोना से होने वाली मौतें और भी बढ़ सकती हैं और एक बार फिर देश का स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ेगा। वहीं अकेले दिल्ली में ही रोजाना 15,000 कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप राजधानी दिल्ली देश के शीर्ष 10 शहरों में शामिल हो गई है जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। देश में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए अब और भी एग्रेसिव एक्शन लेना आवश्यक हो गया है। अब हमें कोविड को लेकर अपने व्यवहार में गंभीर सावधानी बरतनी होगी, टेस्टिंग इंक्रीज करने होंगे, कोरोना पेशेंट्स के ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स को डेवलप करना होगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।